नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का 12.3 एक्सरसाइज का 11वां प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखो बच्चों, प्रश्न है एक वर्गाकार रुमाल पर, ये एक वर्ग आकार का रुमाल है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्ग होता है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। 9 वृत्त आकार डिज़ाइन बने हैं। देखो यहाँ पे 9 सर्कुलर डिज़ाइन बने हैं, यानी रुमाल के ऊपर 9 सर्कल्स में डिज़ाइन बने हैं। तो बच्चों डिज़ाइन आपकी बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने डिज़ाइन नहीं देखना, हमने ये देखना है मैथ्स का, हमने क्वेश्चन हल करना है, हमने सिर्फ डिज़ाइन नहीं देखना है, डिज़ाइन कैसा है, हमने ये देखना कि एक सर्कल है इसमें, सॉरी एक वर्ग है, स्क्वेयर है, इसमें 9 सर्कल बने हैं, 9 वृत्त बने हैं, वृत्त होता है सर्कल, है ना। तो 9 सर्कल बने हैं जिनकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, हर एक सर्कल की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस सर्कल की ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग कौन सा हुआ, ये जो बाकी वर्ग के अंदर सर्कल के बाहर ये जो छोटे 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 एरियाज हैं, इसका आपने पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों बहुत आसान है ये प्रश्न, तो मुझे लगता है कई बच्चों को तो पता लग गया होगा क्या करना है। हमने एक सर्कल का एरिया निकालना है, उसको 9 से गुना कर देंगे तो 9 सर्कल्स का एरिया आ जाएगा, और फिर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, पूरे वर्ग के एरिया में से 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये जो बाकी छुटपुट 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 इधर क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ जाएगा, जिसको कि हमने शेष भाग बोला है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एक वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर सीधा ही 9, एक वृत्त का नहीं, सीधे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर, 9 वृत्तों का कितना हो जाएगा, 9 गुना पाई आर स्क्वेयर, ठीक है ना बच्चों। तो कई बुक्स में आप देखेंगे आपको पहले एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर 9 को गुना करेंगे, तो हम सीधे ही कर लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है ये पाई आर स्क्वेयर, 9 वृत्तों का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर को 9 से गुना कर दें क्योंकि सारे सर्कल एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9 गुना पाई, पाई अगर इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लेंगे 22/7 गुना आर स्क्वेयर, आर कितना दिया बच्चों, त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुना 7 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए 1/7 से 1/7 कट जाएगा, बाकी जो रह गया उनको हम आपस में गुना कर लेंगे, बाकी जो रह गया उनको आपस में हम बच्चों गुना कर लेंगे। तो देखिए गुना करने में क्या है, हमारे पास आया है 9 गुना 7 63, 9 गुना 7 कितना होता है 63, तो 63 को यदि हम 22 के साथ गुना कर दें, 9 7 63, 63 को 22 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1386, 7 में है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों, 9 सर्कल्स का क्षेत्रफल आ गया है, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों कैसे निकलेगा, बच्चों ध्यान से समझना जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं देखो आकृति को थोड़ा जूम कर रहा हूँ सिर्फ आप बच्चों के लिए। देखो ये वृत्त है, इस वृत्त में ये है वृत्त की त्रिज्या 7, ठीक है, ये 7 तो ये भी 7, इसका मतलब एक वृत्त का ये जो व्यास है कितना आ गया 7 + 7 = 14, ठीक है बच्चों। द्वारा देखोगे ये है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो ये भी होगी 7, 7 और 7 कितना हो गया 14, यानी एक सर्कल का ये व्यास आ गया 14, तो दूसरे सर्कल का भी व्यास ये वाला कितना होगा 14, तीसरे सर्कल का भी व्यास कितना होगा 14, ये 14 + 14 + 14 मिलकर क्या होगा वर्ग की भुजा के बराबर होगा, तो 14 + 14 + 14 कितने होंगे 42, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वर्ग की भुजा बराबर
तीन गुना वृत्त का व्यास। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 3 × 14 सेंटीमीटर यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ओ सॉरी 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 बच्चों, मैं जूम आउट करना भूल गया। देखो मैंने अभी लिखा है वर्ग की भुजा बराबर 3 × वृत्त का व्यास, 1, 2, 3 सर्कल, एक सर्कल का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो 3 × 14 सेंटीमीटर यानी 42 सेंटीमीटर। इसे वर्ग की भुजा आ गई है 42 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुना भुजा, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर × 42 सेंटीमीटर। और इसका उत्तर कितना आएगा, देखो बच्चों 42 को जब हम 42 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आया था हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, ये आया है वर्ग का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, और ये आया है वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है, बाकी क्षेत्रफल। तो बाकी क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वर्ग में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो अब मैं यहां लिखता हूं 6 भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल, ये 6 मतलब क्षेत्रफल आपने पूरा लिखना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल था 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको हम माइनस कर देते हैं, देखो 4 में से 6 नहीं जाएगा, ये इससे उधार लेगा, तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ बच गया 5, 5 में से 8 नहीं जाएगा, ये इससे एक उधार लेगा तो बन जाएगा 15, 15 में से 8 निकाले 7, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 निकाले 3, 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि रुमाल में से 9 डिज़ाइन निकाल दो, 9 सर्कुलर डिज़ाइन वृत्ताकार डिज़ाइन निकाल दो, बाकी जो क्षेत्रफल बचा है वो आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो देखा बच्चों प्रश्न बहुत आसान था, तो हमने ये प्रश्न जो है हल कर लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ, देखो मैं कितने सारे स्केच कितनी सारी ड्राइंग करता हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए। आशा करता हूँ हमारा प्रयास तभी सक्सेसफुल होगा जब आपको समझ भी आएगा। तो यदि आपको ये अच्छे से वीडियो समझ आया, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उस पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ ही बच्चों यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।